इस वाली ड्राइंग के अंदर हमारे पास दो व्यू दे रखे हैं, है ना, एक तो टॉप व्यू है और एक हमारे पास फ्रंट व्यू है। तो हम इसको, वैसे तो एक तरीका यह है कि मैं इसे टॉप से बना लूं और टॉप से मेरा काफ़ी काम हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है ना। या फिर हम एक काम करें कि एक बार रिवॉल्व कर दें और एक बार इसे कर दें एक्सट्रूड, दो बार में ले लें, है ना। तो दो बार में तो ये पूरा कम्प्लीट ही बन जाएगा, मतलब जैसे ये है। तो पहले फ्रंट से ले लेता हूँ मैं, यहाँ से ऊपर तक का 20 तक का ये गोल है ना, नीचे का जो 10 है ना, ये वाला नीचे का रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसी को ले लेते हैं। फ्रंट लेते हैं, स्केच में जाते हैं और हाफ सेक्शन में इधर का रखूँगा, और लाइन लीजिए यहाँ से इधर, कितना है ये लगभग, ये फर्स्ट वाला है 82, मतलब 41 के आसपास, ये लिया। फिर ये ऊपर कुछ टेपर जा रहा है, फिर थोड़ा सीधा गए, फिर नीचे गए, फिर अंदर, फिर नीचे, और फिर इसकी सीध में लाके मिला दिया गया, यही है। अब डायमेंशन लेते हैं, डायमेंशन लीजिए, ये क्लिक किया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सबसे बड़ा वाला आउटर वाला सबसे बड़ा है हमारा, ये 82 का 41, ठीक है। ये देखो पहली डायमेंशन ना लेने से क्या दिक्कत हुई हमें, ये इस टाइप से हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहली डायमेंशन ज़रूर कर लीजिए, उससे हमें फ़ायदा मिलता है। खैर अभी तो ठीक कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी ज्योमेट्री नहीं थी, अगर ज़्यादा बड़ी होती तो फिर हमें दिक्कत हो जाती। फिर लेते हैं और सबसे अंदर वाला, ये सबसे अंदर वाला है ये 65 का हाफ, 65 डिवाइड बाई 2, ओके। फिर हमें लेना है इसके बाद कौन सा ले लें, 70 वाला ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट और ये 35 हो जाएगा। और फिर ऊपर वाला मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर का गैप ना प्रॉपरली मुझे दिख नहीं रहा, मतलब ये जो है यहाँ पे जगह बच नहीं रही है। तो पहले इसकी थिकनेस ले लेते हैं, ये है 3, तो 3 लेने से ये अपने आप नीचे आ जाएगा और ऊपर का गैप एक्स्ट्रा हो जाएगा थोड़ा सा। फिर टोटल ये 5 है, तो 3 ये था, ऊपर वाला 2 होगा। ये जब आप इसे 2 लोगे ना तो गैप आपको ज़्यादा दिखने लगेगा। और ये कितना है यहाँ से ऊपर तक, पूरा 20। तो जूम करते हैं, ये लाइन और ये पॉइंट, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। और ये आखिरी वाला कितना है, ये फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड सेकंड वाला सर्कल देखिए, 75 का हाफ, ठीक है जी। स्केच हमारा मैच हो गया, अच्छा अब इसे हम करते हैं यहाँ से एक्सिट और रिवॉल्व, और रिवॉल्व एक्सेस मैं इसको लेता हूँ और ये ओके, ठीक है। ये देखो टॉप से मैच हो रहा, अब नीचे वाला मैं बाद में बना लेता हूँ। कोशिश ये करिए जब भी आप ड्राइंग बनाए ना, अगर खुद के लिए बना रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो पोर्शन आपको आसान लगता है पहले वो बना लो, ठीक है। और कहीं पे इंटरव्यू में या कहीं पे आपको शो करनी है ड्राइंग, तो आपको क्या करना, नहीं सॉरी, अपने लिए बना रहे हो तो आप पहले जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो बनाओ, क्योंकि आसान तो आप बना ही लोगे, बन ही जाएगा, वो आंखें ही बन जाएगा, है ना। और अगर किसी को दिखाने के लिए बना रहे हैं तो जो आसान चीज़ है पहले वो बना लीजिए, ताकि एटलीस्ट कुछ हमारे पास हो, है ना। क्योंकि जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है अगर वो बन गई तो आसान तो बनाने में थोड़ी सी देर लगनी है ना, कुछ भी नहीं लगता टाइम। तो यहाँ से कर देते हैं ये 90, और ये दो सर्किल हैं, आप इसको डायरेक्टली ले सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है ये रहा है ना, ये काउंटर बोर्ड है। तो यहाँ से मैं सर्किल लेता हूँ और इस पर जाते हैं क्लिक, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, और इसकी पोजीशन यहीं पे कर देता हूँ, पूरा मेरा एक साथ ही पूरा बन जाएगा, है ना। तो इसकी डायमेंशन ले लीजिए क्लिक, बाहर का तो 16 है और अंदर वाला है ये है हमारा 10, और इसकी पोजीशन 10 बाई 10, यहाँ से ये 10 पे, 10 पे,
और ये वाला यहाँ से है 10 पे, देखो ऑटोमेटिकली 10 ही आता है ना, तो इस डायमेंशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब मिरर चाहिए, तो मिरर के लिए मुझे सेंटर लाइन चाहिए होगी, है ना। तो एक ये क्लिक कर दी मैंने लाइन, और एक मैं इधर से क्लिक करता हूँ ये। अब जाते हैं यहाँ से मिरर, मिरर के लिए एडिट टू मिरर, बैठ गया, ये हो गया, ओके मिरर। या वहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि इसकी हाइट बार बार देनी पड़ेगी नहीं तो मुझे, है ना। तो मैं एक ही रख लेता हूँ, है ना, वहीं पे ही कर लेंगे इसको हम। अब यहाँ से आ गए हम, और यहाँ से मैं जाता हूँ फीचर में और एक्सट्रूड लेते हैं और क्लिक, नीचे की तरफ जाना चाहिए, नीचे ले लिया, एक सेकेंड ऐसे यहाँ से क्लिक, 10 का है, 10 नीचे जाना चाहिए, और ओके कर देते हैं, 10 हो गया। ऐसे मैं घुमा लेता हूँ और स्केच को कर दीजिए शो, और एक्सट्रूड जो छोटा वाला सर्किल है इसको पूरा कट करना है, ये तो नीचे तक जाना चाहिए पूरा, और ये 10 है, पूरा 10 से कट कर दिया, तो इसे कट लेता हूँ ये वाला, ये है सिर्फ 4। ओके, और स्केच जो था इसे कर देते हैं हाइड, ये तो ठीक लग रहा है, हाँ ठीक ही है। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, मिरर करते हैं, ओके कंट्रोल के साथ कंट्रोल को दबा दिया, और फिर पूरा सबको मिरर ले लीजिए, ठीक है जी। अब सेक्शन की बात आ रही थी, तो सेक्शन देखो, अब सेक्शन एक बार देख लो आप, ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये हमारा सेक्शन भी था, ये भी हमारा सेक्शन भी है, मैच कर लीजिए। ये देखने में तो ये 10 और हमारे 20, ये वाली हाइट मुझे देखने में कुछ ज़्यादा लग रही है ना इसके कंपैरिजन में, तो ये 20 है कि नहीं है एक बार वो चेक कर लेता हूँ मैं जाके। हाफ ही रखेंगे तो हाफ ही आएगा मेरा, और ये स्केच था रिवॉल्व वाला, रिवॉल्व वाले स्केच में गए, टोटल 20 ही है, 20 की ये हाइट ज़्यादा देखने में ही लग रही है, और इधर की डेप्थ ऊपर की, देखिए ये ऊपर की पाइप है ना, जिसे मैंने टू लिया है वो पाइप है ना। हाँ, तो इसको आप डबल क्लिक करिए और इसे कर देते हैं 5 और क्लोज, अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। फुल रखना चाहते हैं, वापस फुल सेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले को भी बना सकते हैं, कोई भी कलर, या यहाँ से क्लिक करेंगे ये है, और ये कलर, और जो भी कलर लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके।